हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बोर्नवीटा की बॉटल को यूज़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर वास बनाना सिखाऊंगी। सो, ये मेरा एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट है। सो, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें इस क्राफ्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की एक बोर्नवीटा की बॉटल चाहिए। तो मैं इसके ऊपर का जो ये लेबल है उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने मेरी बोर्नवीटा की बॉटल के ऊपर का लेबल कम्प्लीटली रिमूव कर लिया है और मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया है। अब इस वास को डेकोरेट करने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम अपने फ्लावर वास को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेसेस की मदद से डेकोरेट करेंगे। तो ये मेरे पास इस तरीके की एक यहाँ पर लेस है। देन मेरे पास इसी टाइप की एक और लेस है। इसका जो साइड का ये पाइपिंग टाइप का लुक है ये पिंक कलर में है और इसका ग्रीन कलर में है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके की एक चौड़ी लेस का। एंड देन हमें चाहिए इस तरीके की एक गोल्डन लेस। तो आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। हम डिफरेंट डिफरेंट लेसेस का यूज़ करेंगे इसे डेकोरेट करने के लिए। देन हमें चाहिएंगे इस तरीके के कुछ डेकोरेटिव पैटर्न्स। इन पैटर्न्स को बनाने के लिए मैंने इसके सेंटर पर इस तरीके का एक हाफ कट पर्ल इंसर्ट किया और इसकी लेयर दिया डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल चेन की मदद से। देन हमें चाहिए कुंदन्स। देन हमें चाहिए हाफ कट पर्ल्स एंड इस तरीके के कुछ मिरर्स। डेकोरेशन के लिए भी आपके पास जो चीज़ें हों आप उनका उपयोग कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर ग्लिटर शीट की मदद से इस तरीके का एक सर्कल कट किया है अपनी बॉटल के नीचे के पार्ट के हिसाब से। देन वी नीड सीजर फॉर कटिंग एंड फैब्रिक ग्लू फॉर पेस्टिंग। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरीके की एक गोल्डन अपनी लेस कट कर ली है जो हम यहाँ पर ग्लू लगाकर इसके टॉप पोर्शन पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने अपनी लेस लगा ली। अब हम अपनी बाकी लेसेस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसके इन पोर्शंस पर इस तरीके से ग्लू लगाऊंगी। तो हमने जितने एरिया पर ग्लू लगाया है उतने एरिया आपको अपनी इस ग्रीन लेस की मदद से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने अपना इतना एरिया अपनी ग्रीन कलर की लेस की मदद से कवर कर लिया है। तो अब हम इसके इस पार्ट पर ग्लू लगाएंगे इस तरीके से और हमारी जो चौड़ी लेस थी उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी चौड़ी लेस भी लगा ली है। अब इसके बाद हम अपनी पिंक कलर की लेस इसके इस पोर्शन पर लगाएंगे जैसे हमने अपने टॉप पोर्शन पर ग्रीन वाली लेस लगाई थी। तो आप देख सकते हैं हमने इसे कम्प्लीटली लेसेस की मदद से कवर कर लिया है। आपके पास जो भी लेसेस हो आप उनका यूज़ करके इसे इस तरीके से कवर कर सकते हैं। साड़ी पे लगाने के बाद भी काफ़ी हमारे पास छोटे छोटे लेसेस के टुकड़े बच जाते हैं, उन्हें भी आप यहाँ पर कंबाइन करके लगा सकते हैं। तो अब हम हमारे इस फ्लावर वास को हाफ कट पर्ल्स कुंदन्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेटिव चीज़ों की मदद से सजाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने ये डेकोरेटिव पैटर्न्स की मदद से इसकी डेकोरेशन करना स्टार्ट करूँगी। तो मैं इसके इस पोर्शन पर इस तरीके से ग्लू लगाऊँगी एंड अपना डेकोरेटिव पैटर्न यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने हमारे डेकोरेटिव पैटर्न लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम अपने मिरर्स लगाएंगे। तो अब जो ये हमारा पार्ट है ग्रीन एंड इस तरीके की पिंक लेस का, यहाँ पर हम जगह जगह अपने मिरर्स को लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने मिरर्स लगा लिए हैं। अब हम इस लेस की जगह जगह के पोर्शंस पर अपने हाफ कट पर्ल्स को लगाएंगे फैब्रिक ग्लू की मदद से। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने अपने हाफ कट पर्ल्स अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं अपने कुंदन्स को अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसके इस पोर्शन पर एक कुंदन लगाया, देन हमारी लेस के इस सेंटर पोर्शन पर कुंदन लगा दिया एंड हमारी जो पिंक लेस थी उसके इस नीचे वाले पोर्शन पर कुंदन लगा दिया है। तो ये हमारा इस तरीके का फ्लावर वास कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। सो, ये हमारा इस तरीके का सुंदर सा फ्लावर वास बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस यूज़फुल क्राफ्ट आइडिया को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे सारे क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।